बॉबी, बॉबी जी मैडम जी। अरे क्या कर रहे हो, ऊपर खाना लेके जाओ। बस हो गया मैडम जी, हो गया। आज पहला दिन है हो तुम इतना लेट कर रहे हो। साहब को इंतजार करना पसंद नहीं। अच्छा मैडम जी, एक बात पूछनी थी, साहब नीचे क्यों नहीं आते, उन्हें हुआ क्या है? मतलब सुबह से देख रहा हूं कि एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकले। अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है ना उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन तुम हो कि एक बार भी ऊपर जाके उनकी खबर नहीं ली। बस मैडम जी, बस जा रहा हूं, जा रहा हूं, बस हो गया। मैडम ये आवाज कैसी है? वो मैंने बताया था ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दर्द में है वो। जाओ जाओ ना तुम, जाओ ऊपर। अच्छा ठीक है। साहब खाना लाया हूँ, साहब खाना लाया हूँ, खाना। साहब खाना लाया हूँ मैं। आज का दिन आखिरी दिन, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऋषि, ऋषि उठ जा। ऋषि चलो, लेट हो जाएगी, ट्रेन का टाइम हो जाएगा, चल उठ, उठना। साढ़े सात बज गए। हाँ तो जाना नहीं है क्या तुझे? हाँ हाँ। वैसे एक बात बता, तू ये तेरे कौन से ऐसे अंकल आंटी है जो इतने साल बाद टपक पड़े हैं? हाँ प्रीति आंटी और इलेश अंकल। पर तूने तो मुझे कहा था कि तेरे सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, फिर अचानक कैसे तुझे बुला लिया? हाँ हम टच में नहीं रहे हैं, पर मेरी दूर के रिश्तेदार हैं, पता नहीं कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा लेकिन तुझे पता है ना हमारे फाइनल टर्म्स आ रहे हैं। पता है, बट फैमिली इज फैमिली यार, और पता नहीं कौन सी मुसीबत में हो, जाना तो मुझे पड़ेगा ही। मैं
प्रीति आंटी? आंटी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आंटी आहिस्ता धीमे से बोलना। आंटी ये गर्मी के मौसम में क्या इतनी ठंडी क्यों हो रही है? आओ बैठो यहाँ, हमारी मदद करोगी ना? आखिर हम तुम्हारे अपने ही तो हैं। आंटी मैं आपकी मदद, आंटी बात क्या है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं आपकी मदद करूंगी पर आप बताइए तो सही, और इलेश अंकल कहाँ है? इसका जवाब देना तो मुश्किल है, तुम खुद ही जाके देख लेना। आंटी इलेश अंकल तो ठीक है ना, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं? तुम झांकना लेकिन दरवाजा मत खोलना, सिर्फ झांक लेना, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। दरवाजा मत खोलना चाहे कुछ भी हो जाए। इलेश अंकल अंकल इलेश अंकल तुम्हारे इलेश अंकल है। नहीं आंटी वो इलेश अंकल नहीं है, वो कुछ और था, कुछ अजीब सा था, वो बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर के देख, वो बहुत बीमार है और उस बीमारी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? वो क्या है आंटी? ये काम मुझे खुद कर लेना चाहिए, लेकिन लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? उनकी हालत तुम देख रही हो, मैं उन्हें यहाँ इस घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आंटी आप मुझे बताइए, मैं अंकल को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी, आप बताइए तो सही। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए तब से ये सब शुरू हो गया है। इसमें क्या है? और ये 117B ये क्या लिखा है? मुझे नहीं पता, ये जो कुछ भी है मैं इसे कहीं दूर ले जाकर फेंक दूंगी। आई एम सॉरी बेटा लेकिन मुझे ये करना पड़ा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या करना पड़ा? मैंने इसे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, इसे जलाया, इसे फेंका, इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी ये वापस आता रहा। तो मेरे पास इसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बचा था, इसे किसी के हवाले कर दूं। मैं सिर्फ आपके कॉल पे इतने दूर से आई आपकी और अंकल की मदद करने के लिए।
और आपने मेरे साथ ही ऐसा किया? नहीं आंटी, ये जो भी है इसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी, मैं नहीं ले जाऊंगी इसे अपने साथ, मैं इसे यही छोड़ूंगी। नहीं, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकती अब। अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए तो तुम्हें इसे वहीं जाके छोड़ना पड़ेगा जहां से ये आया है। आंटी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी बेटा, पर मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। मैं आपको कभी माफ नहीं करूं, कभी नहीं। इलेश अंकल कहाँ है? इसका जवाब देना तो मुश्किल है। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए तब से ये सब शुरू हो गया है। रोशनी ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ मैं अंकल आंटी की हेल्प करने आई और मैं ही फंस गई। आराम से, मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। तो कोई भैया, क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गए? मैम पता नहीं, गाड़ी में कुछ हो गया है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया क्या हुआ? तुम मुझे वापस मेरे घर ले आई। आंटी ने जो एड्रेस दिया था वो तो इसी बंगलो का है, पर ये बंगलो यहाँ?
कोई है? कोई है? सामान वापस करने आई हूं। कौन है? घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ऋषिना? आपको मेरा नाम कैसे? आप है कौन? पलुषा। अरे तुम इसे वापस क्यों ले आई? तुम्हें तो इसे इसकी सही मंजिल तक पहुंचाना था। ये बक्सा आपका है ना? मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ने आई हूँ, ये लीजिए। बक्सा नहीं है ये, तोहफा है मेरा, जिसमें मेरा प्यार भरा है। और ऐसे कई तोहफे हैं मेरे पास जिन्हें उनकी सही मंजिल पर पहुंचाना है। ये बक्सा जिसके पास भी आया है उसके साथ बहुत अजीब अजीब हादसे हुए। पहले मेरे अंकल, मेरे साथ भी। देखिए मैं ये अपने पास नहीं रख सकती, आप इसे ले लीजिए। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ऋषिना, कि जब तक ये तोहफा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें परेशानी रहेगी। और अब तक जिस किसी को भी मैंने ये तोहफे दिए उन्होंने उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया है, और इसीलिए वो पछता भी रहे हैं। अगर ऐसे ही है तो आप पहुंचा दीजिए ना इसे। अगर मैं कर सकती तो तुमसे नहीं कहती। क्या करूं मैं इस घर में कैद हूं, इस घर से निकल नहीं सकती मैं। और मुझे मेरी आजादी तभी मिलेगी जब तुम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाओगी। और तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे ही कहीं नहीं ले जा रही, मैं ऐसे यहीं छोड़ के जा रही हूं। अभी रख लीजिए अपने पास। Thank you.
बता कहाँ पहुंच जाना है मुझे? मेरे घर पर, ब्लॉक नंबर 117। लो, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया, वो भी पूरे 35,000 का। कितनी बार कहा है कि एसी बंद करके रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ? कुछ नहीं हो सकता हमारा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। ना ये घर रहेगा और ना ये बिजनेस। सीरियसली, क्या फायदा इतने बड़े घर का जब हम किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकते? बेटा मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो लाचार हूँ। ये जिस चीज की उम्मीद थी वो भी तो नहीं हुई। ये मौसम को क्या हुआ? ये सुबह सुबह कौन आ गया? रामू, ये रामू कहाँ मर गया? भैया कहाँ रहते हो? रामू को 2 दिन हो गए नौकरी छोड़े हुए, अब मुझे ही देखना पड़ेगा, मैं ही तो हूँ इस घर में। बोलिए। मिस्टर मानिक घर पर है? हाँ है। हम उनके लिए कुछ लाए। क्या लाए हैं? वसीयत। मैं एडवोकेट विकराल हूं, यहां मैं इस वसीयत की निष्पादक की हैसियत से आया हूं। वसीयत? कैसी वसीयत? किसकी वसीयत? वलूषा जी की। वलूषा की वसीयत? पर ये कैसे हो सकता है? पिछले 5 साल से वलूषा का कोई पता नहीं और उससे मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कहाँ है वलूषा? और आप दोनों आए कहां से? पहले तो कभी आपको देखा नहीं। आई एम श्योर हमने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई होगी। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी चेक करा सकते, दस्तखत और दस्तावेज दोनों असली है। इस वसीयत के मुताबिक मिसेस वलूषा ने अपनी पूरी जायदाद आप सबके नाम पर बराबर हिस्सों में बांटी है। बस एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये कुछ चीजें हैं जो आप सबको संभाल कर रखनी है अपने पास हमेशा। नवीन, ये तुम्हारे लिए। शाइना, ये तुम्हारे लिए। अभियांश, ये तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें तो मॉम की हैं। आप मिली हैं मॉम से? अब हम ये संभाल लेंगे। पर आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? एक दोस्त समझ लीजिए। अच्छा, हम चलते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ तो गड़बड़ है, वलूषा ऐसा नहीं कर सकती थी। अच्छा, पता है, ऑफ कोर्स पार्टी तो बंद ही है यार। तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखा है। अरे खुश क्यों ना हूँ, खुशी की ही तो बात है। अच्छा सुन, ये
वसीयत वगैरह, गिफ्ट विफ्ट मिला, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार, पर क्या फर्क पड़ता है? अरे यार, सोचा भी नहीं था मम्मी हमारे लिए ये सब करके जाएगी। अच्छा अच्छा, सुन सुन सुन, तू अभी फोन रख, पार्टी में ही मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। ओल्ड फैशन है। सारे ओल्ड हो रहे हैं, क्या करूं? शादी के लिए तैयार हो रही है क्या इतना लेट तू? अरे पार्टी में जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है, क्लब बंद हो जाएगा, जल्दी आना तू। बस बस मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पार्टी में मिलते हैं, कम फास्ट, मैं निकलता हूँ। हाँ आ गई आ गई आ गई। मैं उस जगह कैद थी, लेकिन अब मैं रिहा हो गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस जगह पैसा पैसा पैसा, सब को पैसे की पड़ी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जैसे जैसे पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। और मम्मी की वसीयत आने के बाद सब बदल गए, मम्मी के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। और पापा, पापा ने तो जो किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है, जैसे उन्होंने कोई गलती ना की हो। पर मैं उन्हें बोलने जाता हूँ तो सब मुझे ही चुप करा देते हैं। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हाँ। हाँ। सच में वो गलत कर रहे हैं ना? तुम कौन हो? वो गलत कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना? तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए ना? उन्हें रोकने के लिए तुम मेरी मदद करोगे ना? जतिन,
मानिक तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ ठीक है लेकिन अरे अरे मानिक हुआ क्या है? ये देख क्या ये वलुषा की वसीयत। वलुषा की वसीयत से कैसे हो सकता है? असली लग रही है, नहीं वो वापस तो नहीं आ गई? तू पागल हो गया? तू भूल गया उस दिन क्या हुआ था? हेलो हेलो मानिक, कहाँ तुम? कितनी देर हो गई है यार? 8:30 बज रहा है, क्या करूं घर आके? काम ना करूं? अरे क्या काम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? घर में बच्चे हैं तुम्हारे, प्यार करने वाली बीवी है, हमारी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारा। तो क्या करूं, काम छोड़ दूं, घर पर आकर बच्चों को संभालूं? हां सुबह से 50 बार कॉल कर चुकी तुम ये। माने क्या हुआ है तुम्हें, बात में भड़कते क्यों रहते हो तुम? और अगर इतनी परेशानी थी ना तुम्हें तो शादी नहीं करनी चाहिए, और अब शादी कर ली है तो निभानी पड़ेगी। अच्छा बाबा गलती हो गई मुझसे, सॉरी। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। तो बताओ घर कब आ रहे हो? हाँ मानिक बोल। तुझे मेरी मदद करनी होगी, दोस्त है ना तू मेरा? हाँ बोल। मैं ऋषि को मारना चाहता हूँ। मारना चाहता है ये? किसको? वलुषा को। ये बीवी को मारना चाहता है तू? और क्यों? तू तो उससे प्यार करता था ना? हाँ बहुत प्यार करता था मैं, लेकिन घुस गया मेरा प्यार। अरे पागल है वो, पागल ऑब्सेस्ड है, दिन में 50 फोन करती है, जीना हराम करके रखा उसने मेरा। उठो आओ जाओ, जो वो कहे वही करो, वरना कुछ मत करो। ठीक है लेकिन उसमें मारने की क्या जरूरत है, छोड़ दे उसे। नहीं छोड़ सकता, ये शादी मैंने सिर्फ प्यार के लिए नहीं पैसे के लिए भी की थी, और अगर उसे छोड़ दूंगा पैसा भी चला जाएगा, इसलिए उसका मरना जरूरी है। चल। नहीं पापा कहाँ जा रहे हैं? और मम्मी को क्या हुआ? अब बेटा वो आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब रियांश तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखना बेटा। ओके। बच्चों तुम जाके सो जाओ, हाँ चिंता मत करना बेटा, मैं जल्दी आता हूँ। ओके मनिक, आर यू श्योर? या आई एम श्योर। पॉसिबल नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। वो एक विकरांत नाम का लॉयर आया था घर पे, एक लड़की भी थी उसके साथ, कुछ गिफ्ट भी देके गए हैं वो लोग बच्चों के लिए। क्या नाम बताया तूने लॉयर? विकराल। विकराल, उसकी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम थी? हाँ उसकी गर्दन में प्रॉब्लम थी, वो झटका देता था कुछ और फिर सीधी करता था। मानिक वो विकराल वलुषा का लॉयर था। हाँ तो मुझे भी पता है, उसने बताया कि वो वलुषा का लॉयर है, लेकिन वो 5 साल पहले मर चुका है। क्या मर चुका है? पर वो तो आज ये देखा गया मुझे। मानिक कुछ तो प्रॉब्लम है, तो जल्दी अपने घर जा अपने बच्चों के पास। अरे यार रियाज, ये आज अचानक पार्टी का मूड कैसे बन गया? बस यार आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई क्या बात है, आज तू बहुत खुश है, ऐसा क्या हो गया? और ये पार्टी वाली क्या बात है यार? अरे यार आज मेरी मम्मी का लॉयर आया था उनकी वसीयत लेकर, एंड नाउ आई एम रिच। ओ रिच। तुम्हारी मम्मी का लॉयर? तुमने तो बोला था कि तुम्हारी मम्मी कहीं चली गई है, वापस आ गई क्या? तुम्हारी बात बात होती है क्या उनसे? अरे यार मुझे पता नहीं यार, तुझे ये सब बातें छोड़ना, बस तू इतना समझ ले कि अब हमारी कड़की के दिन गए और पार्टी शुरू।
लेकिन आप तो घबराओ मत, नवीन और शायना भी मेरे पास है। तुम नहीं आओगे मेरे साथ? शायना और नवीन मर गए? नहीं, मरे नहीं हैं, मेरे पास हैं वो लोग। तुम नहीं आओगे मेरे पास? नहीं। मम्मी के पास? ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत प्यार करती हूं मैं तुम सबसे, लेकिन तुमने मुझे मारकर मेरा घर और जिंदगी दोनों मुझसे छीन लिए। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुम्हारे साथ जीना मुश्किल हो गया था। तुमने मुझे मारकर मेरे बच्चों की कस्टडी मुझसे छीन ली, लेकिन अब हमारे बच्चे मेरे पास हैं। रहना नहीं चाहोगे उनके साथ? हाँ, जाना नहीं चाहोगे उनके पास? हाँ, हमारे खुशहाल परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे? मैं पूछ नहीं रही हूं, कम ऑन, जल्दी, हम सब छुपे हैं। मानिक आते जाओ, जल्दी। पापा आओ, आओ जल्दी आओ। पापा, पापा क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा, रियांश, रियांश की आवाज, पापा, रियांश की आवाज, पापा, शाइना, राइट, शाइना, अरे सब यहाँ आए, ढूंढो। नवीन, एक तो मेरी आंखों पर पट्टी बांधी है तुमने, ऊपर से पूरे घर में घुमा रही हो। अरे दैट्स द गेम, आओ आओ सीधे आओ, सीधे आओ। ये कितनी अजीब सी गेम है। वलुषा, वलुषा, क्या है ये? बस बहुत हो गया, मैं मुझसे नहीं खेला जाता ये सब गेम, थक गया हूं मैं। अरे इतनी जल्दी थक गए? पता है तुम्हें मजा नहीं आ रहा। हम ऐसा करें और लोगों को बुलाते हैं। हाँ,
आप अभी भी यही हैं? कब तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे? जल्दी से चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे चाय भी पी लूंगा मैडम जी, पहले देश दुनिया की खबर तो पढ़ लूं। सिर्फ देश दुनिया की खबरें ही जानते रहोगे या बिजनेस के बारे में भी सोचोगे? जाओ देखो जरा अपने बिजनेस के क्या हाल चाल है। हाँ हाँ, ऑफिस भी चला जाऊंगा, चिंता मत करो तुम।